हाय गाइस, कांस्टेंट हम लोग जानने वाले हैं कि कांस्टेंट क्या होता है इन पाइथन। सो अगर अगर आपने कोई और लैंग्वेज पढ़ा हो, लाइक सी पढ़ा हो, जावा पढ़ा हो, तो हम लोग उसमें भी कांस्टेंट पढ़ते हैं। तो वही कांस्टेंट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। पहले, अ कांस्टेंट इज़ एन आइडेंटिफायर हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, वेयर एज द वेरिएबल वैल्यू कीप ऑन चेंजिंग। यहाँ एक डिफरेंस बताया जा रहा है कि वेरिएबल में और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट एक ऐसा आइडेंटिफायर है जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। यानी कि अगर कांस्टेंट का आपने वैल्यू असाइन कर दिया 10, तो हमेशा वो 10 ही रहेगा। आप उसको 20 या फिर किसी और वैल्यू के साथ चेंज नहीं कर सकते हैं। ये होता है कॉन्सेप्ट पाइथन के अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। लेकिन यहाँ पाइथन में हम कांस्टेंट को नहीं पढ़ते हैं। पाइथन में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है कांस्टेंट को लेकर। देयर आर नो कांस्टेंट्स इन पाइथन द वे दे एग्जिस्ट इन सी एंड जावा। सी एंड जावा में आपने कांस्टेंट पढ़ा होगा। अगर आपने सी और जावा का प्रोग्रामिंग किया है, तो आपने पढ़ा होगा कांस्टेंट के बारे में। और वहाँ लिखा गया था कि कांस्टेंट एक ऐसा आइडेंटिफायर होता है जिसमें जो वैल्यू आप असाइन करते हैं वह चेंज नहीं हो सकता प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान। ये हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था सी और जावा में। लेकिन पाइथन में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी कि पाइथन में आप कोई भी कांस्टेंट नहीं बना सकते हैं। ऐसा कोई भी आप आइडेंटिफायर नहीं बना सकते हैं जिसका वैल्यू चेंज ना किया जा सके। ओके, सो इससे सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि पाइथन में कॉन्सटेंट नहीं है। कॉन्सटेंट का मतलब होता है जिसका वैल्यू चेंज ना हो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। तो ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे पास पाइथन में नहीं है। एकदम ध्यान से सुन लीजिए। In Python, it is not possible to define constant whose value cannot be changed. Okay, ये मैंने बता दिया। In Python, constants are usually defined on a module level and written in all capital letters with underscores separating words. But remember, its value can be changed. अब constant चूंकि Python में नहीं है और हमें अगर चाहिए तो उसके लिए हम लोग कांस्टेंट का फील लेते हैं। कांस्टेंट का फील लेते हैं मतलब कांस्टेंट को कैसे लिखा जाता है। अगर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप देखें, सी या जावा में भी, तो कैपिटल लेटर में या तो फर्स्ट लेटर को कैपिटल या फिर सभी लेटर को कैपिटल में करके लिखा जाता है कांस्टेंट। तो वही फील हमें यहाँ पर सिर्फ लेना है। हमें अगर पाइथन में कोई कांस्टेंट बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे कि उसका सभी वर्ड, सभी लेटर जो है उसको हम लोग कैपिटल में लिखेंगे और अपने दिमाग में सेट कर लेंगे कि ये हमारा कांस्टेंट है और हमें इसका वैल्यू चेंज नहीं करना है। लेकिन उसका वैल्यू एक्चुअली में चेंज किया जा सकता है, बट जस्ट बिकॉज हमने उसको कांस्टेंट समझ लिया है अपने मन में और उसके सभी लेटर्स को हमने कैपिटल में लिखा हुआ है, जिससे कि हमें लगे हम मतलब डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि नॉर्मल वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, जिससे कि हम लोग भविष्य में प्रोग्राम में जब हम लिखते हैं थाउजेंड्स लाइन ऑफ कोड, हमें भविष्य में कभी भी ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि यार मेरा ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है। बिकॉज कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ओके, सो ध्यान में रखना है, अगर एक से ज़्यादा वर्ड है तो आपको अंडरस्कोर देकर उसको सेपरेट करना है, देन लिखना है। मैं अभी आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। सो इन डेफिनेशन से क्या आपको लेना है, इन डेफिनेशन से आपको सिर्फ इतना लेना है कि पाइथन में कांस्टेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे सी और जावा में है वैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन आप कांस्टेंट का फील यहाँ ले सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे कि अगर आपको कोई कांस्टेंट बनाना है तो उसका सभी लेटर आप कैपिटल लेटर में लिखिए। अगर दो वर्ड है तो अंडरस्कोर से सेपरेट करके लिखिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये कांस्टेंट एक्चुअल कांस्टेंट नहीं है और इसका वैल्यू चेंज किया जा सकता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि पी आई मैंने कैपिटल में लिखा तो मैं समझ लूँगा कि ये मेरा एक कांस्टेंट है। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, इसका वैल्यू चेंज किया जा सकता है इन पाइथन। देन मैंने एक और अपना बनाया कांस्टेंट जो कि है टोटल। इसमें कुछ वैल्यू मैंने असाइन कर दिया, मान लीजिए कि 10 या 20 कुछ भी इक्वल साइन देकर। ये मेरा कांस्टेंट, मैंने समझ लिया कि ये मेरा कांस्टेंट है, बट इसका भी वैल्यू चेंज हो सकता है पाइथन में। देन अगर दो वर्ड हैं तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं मीन अंडरस्कोर वैल्यू, ये भी हमारा कांस्टेंट माना जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, ठीक से मेमोराइज कर लीजिए दिमाग में, इंटरव्यू का क्वेश्चन रहता है ये, ठीक है। पाइथन में कांस्टेंट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन पाइथन में कांस्टेंट लिखा जाता है सिर्फ उसका फील लेने के लिए। लेकिन एक्चुअली में वो वेरिएबल की तरह ही होता है, उसका वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।